नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सागर मिश्रा एक्सप्लोर में। सो गाइस, आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत जगह घूमने जाने वाले हैं, जहां पर जाके आपको जन्नत वाली फीलिंग आएगी। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं फिफे आइलैंड, और हम फिफे आइलैंड फुकेट से जाने वाले हैं। हम लोगों ने फेरी बुक कर लिया था कल ही, उसकी बुकिंग डिटेल्स आपको मेरे पहले वाले ब्लॉग में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और आई बटन पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब वन चलते हैं। सो गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं रसदा हार्बर, जहां से हम लोगों को फेरी मिलने वाला है। अब हम लोग फेरी में आ चुके हैं। फेरी में दो फ्लोर हैं, तो मैं आपको फेरी का टूर भी करवाने वाला हूँ और साथ में यहाँ से जो व्यू है वो भी दिखाता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। चलिए गाइस, आप एंजॉय करिए। फ्लोर भी है, तो पहले मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, फिर चलते हैं नीचे। तो चलिए अब आपको मैं नीचे भी दिखा देता हूँ। Yeah.
क्योंकि अलर्ट हो चुके हैं और बारिश बहुत तेज हो रही है। इसलिए हम लोग फेरी में ही देखते हैं बारिश कम बंद होती है। बारिश कम होती है तो हम लोग होटल जाते हैं, अगर कम होती है तो हम लोग दूसरी प्लेन भी देखेंगे, अदरवाइज देखते क्या कर सकते हैं। तो चले गए गाइज, आप जैसे ही फीफे आइलैंड पहुंचेंगे तो आपको 20 बार पर पर्सन यहां पर भी एक टिकट लेना पड़ेगा और फीफे आइलैंड तो आप वो ले लीजिएगा। आप जैसे ही पेरिस से उतरेंगे, क्रूज से उतरेंगे तो आपको सबसे पहले यहां पर टिकट मिलेगा, उसके बाद ही आप आइलैंड पे जा पाएंगे। चलिए गाइज, अपन चलते हैं आगे। हॉस्टल इबिजा पूल पार्टी, सो ये पार्टी होगी आज नाइट में। तो अभी हम लोग सबसे पहले जाते हैं, चेक इन करते हैं, देन विल सी। तो हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन इबिजा हॉस्टल पे। हम लोगों ने यहाँ पर पहले ही हमारी डॉर्मेट्री बुक करके रखी थी, काफ़ी बारिश हो रही है और अब हम लोग जा रहे हैं हमारी डॉर्मेट्री में और लेट्स सी कैसी पार्टी होती है। एक और चीज़ की गाइस, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको 500 बाद पर पर्सन डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो रिफंडेबल है। तो अगर आप वीज़ा आ रहे हैं तो बुकिंग कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेलिटीज करेंगे चेक इन की, तो 500 बाद पर पर्सन वो रिफंडेबल अमाउंट सिक्योरिटी मनी रखते हैं। तो चलिए गाइस, अपन चलते हैं और वीज़ा हॉस्टल देखते हैं कैसा है। हम लोग अब वीज़ा हॉस्टल में आ चुके हैं। हॉस्टल में आने के बाद उन लोगों ने सब बैंड दे दिया सबके एंड में। मैं आपको रूम टूर करवाता हूँ कैसा है यहाँ पे हमारा हॉस्टल का रूम, हम लोग किस रूम में रुकने वाले। तो चलिए गाइस, मैं दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, ये है वीज़ा हॉस्टल का रूम। तो ऐसे लोकल भी हुए, अगर आपको आपका पासपोर्ट वगैरह रखना हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखना हो तो आप रख सकते हैं। और साथ ही में देखिए ये रूम से भी है, यहाँ पर है स्विमिंग पूल जहाँ पर आज पूल पार्टी होने वाली है, तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। और ये देखिए पीछे का व्यू कितना अच्छा है। सो गाइस, अभी दिन हो चुका है और हमें बहुत तेज धूप लगी, तो हम लोग इबिजा हॉस्टल से बाहर आए हैं और बाहर निकलते ही थोड़ी सी दूर पर हमको मिला एक हिमालय इंडियन फूड रेस्टोरेंट। तो हम लोग वहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं और फिर चलते हैं गाइस। सो गाइस, अब हम लोग को लंच हो चुका है और अभी बारिश नहीं आ रही है, तो हम लोग चलते हैं बीच साइड जो कि इबिजा के पास में है। तो चलिए गाइस, मैं आपको ले चलता हूँ। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं बीच साइड पर। देखिए यहाँ से व्यू कितना अच्छा है, मेरे पीछे देखिए और आप इस साइड देखिए, बहुत ही शानदार जगह है फीफे आइलैंड। अगर आप फुकेट आ रहे हैं तो फीफे आइलैंड बिल्कुल आइए। आज मौसम अच्छा नहीं है, ये देखिए वापस बारिश शुरू हो गई है, तो इसलिए हम दूसरी जगह नहीं जा पा रहे, माया बीच वाइकिंग केव। अगर आप फीफे आइलैंड आ रहे हैं तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि मौसम अच्छा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है। इवन फेरी को भी हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम आई थी कैप्टन को, तो मौसम अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक गुड न्यूज़ है गाइस कि आज हमारे इबिजा में पार्टी है, पूल पार्टी, तो आज हम लोग वहाँ पर मस्ती करने वाले हैं। तो आपको ब्लॉग के एंड तक पूल पार्टी दिखने वाली, पूल भोकाली पार्टी दिखेगी, पूल पार्टी दिखेगी इबिजा की, फीफे आइलैंड फेमस थाईलैंड पूल पार्टी। तो चलिए गाइस, अभी अपन थोड़ा बीच पे इंजॉय करते हैं, मैं आपको सीन दिखाता हूँ, आप व्यू देखिए यहाँ के, और उसके बाद मैं आपको और चीज़ें घुमाता हूँ। आज मौसम ख़राब होने की वजह से हमारी कुछ प्लेसेस मिस तो हो रही है, बट एक अच्छी चीज़ हो गई है कि बीच पर लोग बहुत कम हैं,
तो ऐसा फील आ रहा है कि हमारा प्राइवेट बीच ही है, आराम से हम लोग मस्ती कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिल आउट कर रहे हैं, फुल प्राइवेट बीच वाला फील आ रहा है। इतना खूबसूरत बीच है ये, मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, इतना क्लीन पानी है यहाँ का, आप देखिएगा बहुत शानदार व्यू है, और कुछ ना कुछ अच्छा होने के लिए होता है। ठीक है गाइस, तो हमारी किस्मत में ये था प्राइवेट बीच फ्री में, तो इसलिए हमारे लिए मौसम बिगड़ा आज मॉर्निंग में। पर गाइस एक चीज़ बताऊंगा, मौसम बिगड़ा पर वो जो सीन था ना, बिल्कुल हम जब क्रूज से आ रहे थे और मौसम बिगड़ गया था बीच में, इतना शानदार लगा था, इतना एडवेंचरस, हमने आज तक मौसम नहीं देखा और ऐसा एडवेंचर तो आज तक करा ही नहीं, तो डेंजरस भी था वो पर फन तो था ही वो। तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ इधर से बीच का, देखिए गाइस। सो गाइस, इसी खूबसूरत व्यू के साथ हमारा आज का व्लॉग खत्म होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। फीफे आइलैंड पार्ट टू में हम लोग थाईलैंड के बेस्ट पूल पार्टी, भोकाली पार्टी और नाइट लाइफ कवर करने वाले, जिसका क्लिप मैंने एंड में डाल दिया है। अगर आपको कंप्लीट व्लॉग देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।